क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोलिए, हम साथ में पढ़ें। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने में कई लोग फास्टिंग करते हैं और स्टार्विंग भी करते हैं। स्टार्विंग बिना कोशिश किए, बिना कोई मेहनत किए हम कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग करना हो तो हमें बहुत दिक्कत होती है। स्टार्विंग करना यानी काम में हम इतने बिजी हैं तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हमने दोपहर का खाना नहीं खाया या ब्रेकफास्ट नहीं किया या नाइट का सपर नहीं लिया, ये स्टार्विंग है। और फास्टिंग यानी जानबूझकर, मुझे पता है मैं खाना खा सकती हूँ, मेरे सामने ऑप्शंस है खाने के और मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे नहीं खाना है। स्टार्विंग करना आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें, क्योंकि हमारा फोकस कहीं और होता है और हम उसके पीछे चले जाते हैं तो ये हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता है कि हमें फास्टिंग लेना है, हमें उस दिन सबसे अधिक भूख लगती है, सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स हमें उसी दिन होती है। लेकिन फास्टिंग हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को दोनों बेनिफिशियल है, जबकि स्टार्विंग हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को कोई बेनिफिट नहीं देता। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखें तो फास्टिंग करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट। जब यीशु अपने रूपांतरण के बाद पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं तो वहां पर एक अब्दुत ग्रस्त बेटा को लेकर एक पिता आता है। वह यीशु के पास दौड़कर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की आपके शिष्यों से कहा लेकिन उनसे कुछ नहीं बना। यीशु आते हैं, उस लड़के के अंदर से जो अब्दुत है उसे भगा देते हैं। तब शिष्य गण आके प्रभु से पूछते हैं कि ये काम हमसे क्यों नहीं हुआ, जबकि अगर हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में देखते हैं कि प्रभु ने ही अपने शिष्यों को यह अधिकार भी दिया था कि आप अवधूतों को निकालो। यही बात हम संत लूकस के समाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 और 2 में भी देखते हैं। लेकिन इस केस में वे विफल हो जाते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि इसके लिए प्रार्थना के साथ उपवास की भी जरूरत है, यानी प्रार्थना और उपवास दोनों साथ में जाना है। अगर हम तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान, ये तीनों हमें करना। यानी उपवास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, क्योंकि प्रार्थना के साथ जब हम उपवास भी करते हैं वो हमें बहुत इनर स्ट्रेंथ देता है, एक नया अभिषेक हमारे लिए खोल देता है। दूसरा एक कारण यह है कि हमें सेल्फ मास्टरी मिलती है। हमारे अंदर एक इच्छा होती है, अभी ये मुझे चाहिए, यानी हम वही चाहिए, तभी का तभी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं और माता पिता उनका ज़िद भी पूरा कर देता है, लेकिन हमारे बच्चों को या हमको एक सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मास्टरी कम होते जा रही है। हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, हमारे कंफर्ट्स को, हमारे प्लेजर्स को कंट्रोल करने या हमें उसे कट करने के लिए दिक्कतें आती हैं। अगर हमारे सामने हमारे फेवरेट चीज़ें रखी हो, अपने मन को ना बोलना ये हमें नहीं आता,
हमने जो चाहा हमें वो चाहिए. दैट इज नॉट सेल्फ मास्टरी. सेल्फ मास्टरी इज यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, एबल टू कंट्रोल योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स एंड एवरीथिंग. हम हमारे इमोशंस को, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को हमें कंट्रोल होना चाहिए. गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, गाली मन में आया तो गाली बोल दिया, एक्स्ट्रा ओवर जॉय दिखाने का मन किया तो वो दिखा दिया, नहीं. हमारे अंदर एक सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए और यह चीज़ हमें फास्टिंग से मिलती है. और तीसरी बात, और जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स, हमारे फ्लैशी डिज़ायर्स पर हमें एक कंट्रोल मिलता है. कई बार हमारे वासनाओं पर नियंत्रण करना हमारे लिए दिक्कतें आती है. इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी जाकर वे विचार करते हैं, नहीं. प्रभु ने यह कहा है कि अगर तुमने मन में भी चाहा, तुमने किसी को उस नज़रिए से भी देखा तो तुमने वे विचार कर लिया. तो हमारे नज़रियों को बदलने के लिए, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, हमारी वासनाओं की इच्छाओं को, उसके इंक्लिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग हमें बहुत अधिक मदद करता है. चौथी बात, हम प्रभु की इच्छा को डिसर्न कर पाते हैं. जब हम अपने आप को मास्टर करते हैं, हम हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे इमोशंस पर हमें कंट्रोल होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रभु से कनेक्टेड हो सकते हैं. जब हम प्रभु से कनेक्टेड हो तो हमें प्रभु की इच्छा समझने के लिए बहुत आसान होता है. हम देख सकते हैं जब भी प्रभु यीशु अपने मिशन की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने 40 दिन उपवास लिया, उन्होंने फास्टिंग की, उन्होंने प्रेयर किया. मूसा ने भी पहाड़ पर जाकर फास्टिंग और प्रेयर किया. कहीं पे भी देखो, कोई भी व्यक्ति जब कुछ अच्छा करना चाहता है और प्रभु की इच्छा को डिसर्न करना चाहता है, वह व्यक्ति अपने आप को अकेला कर देता है प्रार्थना और फास्टिंग में. इसीलिए फास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और आखिरी बात, फास्टिंग हमारे लिए एक छोटा सा सैक्रिफाइस है, एक त्याग है, एक परित्याग है. वो हम खा सकते हैं, हम ये चीज़ ले सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हमने खुद अपने इमोशंस पर, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पर, हमारी इच्छाओं पर एक कंट्रोल रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो त्याग होता है, वो हम प्रभु यीशु के त्याग के साथ, उनके क्रूस मरण के साथ जब हम चढ़ाते हैं, इट हैज़ ग्रेट वैल्यू. फास्टिंग का वैल्यू तब ज़्यादा बढ़ता है जब हमारे फास्टिंग के कारण हम जो सैक्रिफाइसेस करते हैं, हमारे शरीर में जो पीड़ाएँ होती है, हमारे मन में जो कंट्रोल होता है, जो दुख होता है फास्टिंग के कारण, और उसे हम अच्छे मन से स्वीकार कर रहे हैं, उसे जब हम प्रभु के क्रूस के साथ चढ़ाते हैं, तब उस फास्टिंग को, उस त्याग को, उस परित्याग को, उस एब्स्टिनेंस को बहुत अधिक वैल्यू होता है. बिकॉज वी बिकम को रिडीमर्स विद क्राइस्ट, क्योंकि हम यीशु क्राइस्ट के साथ, उनके मुक्ति के जो कार्य है उसके साथ एक हो जाते हैं. आइए हम सच्चे मन से फास्टिंग करें, ना किसी को दिखाने के लिए या फिर कुछ ज़्यादा मिलने के लिए, दूसरों से अटेंशन मिलने के लिए हम ना करें. हम स्टार्विंग ना करें, क्योंकि स्टार्विंग से कोई फ़ायदा नहीं होता. हमारा शरीर भी दुर्बल हो जाता है और आत्मा में भी कोई फ़ायदा नहीं होता. लेकिन फास्टिंग हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को बहुत अधिक फ़ायदेमंद है. वह हमें प्रभु से अधिक कनेक्ट करवाता है.